रामनगरी अयोध्या में जल गया रावण और उसका अहंकार। फिर हुई अधर्म पर धर्म की विजय। अयोध्या में फिर मनी दीपावली। अयोध्या के राजन निवास चौराहे पर नवरात्र प्रारंभ से हो रही रामलीला अब अंतिम चरण की ओर है। विजयदशमी के मौके पर आज रामलीला में भगवान श्री राम तथा वानर सेना के साथ लंका पहुंचे, जहां कुंभकर्ण, मेघनाथ, अहिरावण जैसे महाबलशालियों को धराशाही किया और रावण को उनके अहंकार, अधर्म, असत्य के साथ समाप्त किया। रामनगरी अयोध्या में रात्रि 12 बजे तक रावण वध का प्रसंग चला। रावण के वध को देखने के लिए हजारों की संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। देर रात्रि भगवान राम और रावण का युद्ध चला और फिर 60 फीट के रावण का दहन किया गया। रावण दहन के बाद नगर पटाखे जलाकर दीपावली मनाई गई। आज एक बार फिर अयोध्या और अयोध्या के लोगों में धर्म, सत्य, सच्चाई का विजय हुआ और जम के खुशियाँ मनाई गई। रावण वध देखने के लिए तमाम संत महंत उपस्थित रहे। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने रावण के पुतले को सांकेतिक आग लगाई और बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार का उत्सव मनाया। वहीं सांसद ने कहा कि इस बार की दिवाली अयोध्या वाली होगी, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि भगवान राम के मंदिर का फैसला जल्द आने वाला है और 17 तारीख तक सुनवाई पूरी हो जाएगी। ऐसे में हम सबको आशा है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। वहीं रामलीला के आयोजक बावन जी मंदिर के महंत ने कहा कि इस बार की दीपावली बेहद खास होगी, निश्चय ही भगवान राम के पक्ष में फैसला आएगा। आसुरी शक्तियों का विनाश रावण के रूप में जो प्रतीक है उसको जला करके समाज को एक संदेश देते हैं कि जो आसुरी शक्तियों का जो मानने वाले लोग हैं या समाज या देश उनको नहीं मानता, इसलिए इस प्रकार का। अच्छा, क्या इस बार की दिवाली अयोध्या वाली होगी? क्या भगवान राम के भव्य राम मंदिर का निर्माण का मार्ग इस बार फैसले से आ सकता है? अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा, 17 तारीख तक उसको कहा था, उसके बाद फैसला होगा और फैसला हम लोग लगता है हमारे पक्ष में होगा। दीपावली या आम आदमी को विश्वास है भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा। हम ये जो समाज में वासना रूपी अहंकार, अर्थात जो अहंता रूपी अहंकार है वही रावण है, और रावण को हम श्री राम की जो है उससे ही नष्ट कर सकते। श्री राम जी की जो साधना है या पवित्रता है या उनका जीवन शैली है उसी से रावण पर विजय श्री राम करते आए, वही आज चल रहा है। इस बार की दीपावली अयोध्या वाली होगी, क्या इस बार कोई अहम फैसला आ सकता है राम? बिल्कुल, अयोध्या में श्री राम जी की राम जन्मभूमि है तो आना ही चाहिए, उसमें तो कोई जो है दुराय है ही नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है तो श्री राम की जन्मभूमि को तो होना ही चाहिए। अभी तक आ ही जाना चाहिए था, शीघ्र ही आ जाएगा, तो श्री राम जी का भव्य मंदिर बनेगा।